आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, थ्री डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर अंजनी टाकिस के पास भवानी माता रोड खंडवा। संपर्क करें 7000653715 और 9111116730। लायंस भोजन सेवा केंद्र की 20वीं वर्षगांठ पर किया दानदाताओं का सम्मान। लायंस भोजन सेवा केंद्र अन्नदान के क्षेत्र में अनोखा उदाहरण है देवेंद्र वर्मा। लायंस क्लब खंडवा भोजन के साथ ही अन्य सेवा कार्यों में भी सदैव अग्रणी है। लायंस क्लब खंडवा द्वारा संचालित लायंस भोजन सेवा केंद्र जिला चिकित्सालय परिसर की 20वीं वर्षगांठ पर दानदाताओं का सम्मान किया गया। देते हो PRO नारायण बहेती ने बताया कि लायंस भोजन सेवा केंद्र में मरीजों, परिजनों व जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन कराया गया। लायंस भोजन सेवा केंद्र में प्रत्येक माह विशेष सहयोग करने वाले दानदाताओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि लायंस क्लब खंडवा गत 20 वर्षों से भोजन सेवा के माध्यम से मरीजों, परिजनों, जरूरतमंदों के लिए यह सेवा कर रहा है व अन्नदान के क्षेत्र में अनोखा उदाहरण है। इससे खंडवा जिले का ग्रामीण अंचल लाभान्वित हो रहा है। लायंस क्लब को शासन की योजनाओं में भी सहभागिता करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए नारायण बाहती ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व लायंस साथियों द्वारा इसे एक पौधे के रूप में लगाया था। आज वह वट वृक्ष बन सभी को सेवा रूपी छांव प्रदान कर रहा है। इस सेवा गतिविधि से लायंस प्रांत, मल्टीपल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है। अध्यक्ष प्रमोद पुरी के सहयोग से पदाधिकारियों, सदस्यों के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर भोजन कराया जाता है, उनकी ओर से पेमेंट किया जाता है। बाकी दिनों में लायंस क्लब खंडवा द्वारा जो है इसका पे भुगतान कर और इस कार्यक्रम को सतत जारी रखे हुए हैं। आज हम 20वीं वर्षगांठ पर जो हमें विशेष सहयोगी हमारे प्रत्येक माह सहयोग प्रदान करने वाले दानदाताओं का सम्मान कर हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस गतिविधि में हमारे साथ सम्मिलित हों। इसमें पैसे का मोल नहीं है, अधिक से अधिक हम लोग हमारे साथ जुड़े आए, परोजगारी करें और अपना सहयोग प्रदान करें। यही आशा के कारण आज हमारे बीच विधायक देवेंद्र वर्मा जी भी बता रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।